3 फीट तक खाने लायक, उसके बाद दिखाने लायक। देखिए मित्रों, किसान भाइयों, टेरेस गार्डनर, किचन गार्डनर, जिस वो भी सुन रहे हों, ये 3 प्रजातियां जो हैं ये जाड़े वाली हैं। जाड़े का मतलब 60 डेज में या छोटे जब दिन होते तभी फल आते हैं। तो बुआई का इनका समय नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र शिशिर और नरेंद्र माधुरी, ये तीनों प्रजातियों का बुआई का समय 10 से 20 जुलाई सबसे बढ़िया, खींच खाँच के 15 अगस्त तक। उसके बाद सितंबर लास्ट वीक से, अक्टूबर अर्ली वीक से इसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। जहाँ तक बीज उपलब्धता की बात है, ये बीज जो है इस समय भारत के हर राज्य में, हर केंद्र शासित राज्य में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक भी पहुँच चुका है और बहुत सारे लोग इसका बीज बना रहे हैं। और संजोग की बात है और सौभाग्य की बात है, कृषि विश्वविद्यालय नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी में जहाँ ये बीज प्रजाति डेवलप की गई थी, वहाँ अभी बीज नहीं बन पा रहा था, वो विश्वविद्यालय भी इस साल से बीज बना रहा है। तो जिन साथियों को, जिन किसानों को इसको बीज को उपलब्धता चाहिए, ये विश्वविद्यालय से भी मिलेगा और साथ ही साथ देश भर के कई भागों से लोग पैदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि फ्राड भी कर रहे हैं, उससे सचेत रहें। क्योंकि एक बीज, हमने बताया कोई हरियाणा के किसान कि एक बीज 50 रुपये का, केरल में कोई कहा हम सप्लाई कर रहे हैं 500 रुपया 10 बीज के लिए, को फिर फोन ही नहीं उठाया, तो इसमें फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो नरेंद्र शिवानी के नाम से, तो यह सौभाग्य की बात है, विश्वविद्यालय ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और लंबी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैदा हो रहा है। और माधुरी का बना रहे हो कि नहीं? माधुरी का नहीं, तो अगले वर्ष से नरेंद्र माधुरी और शिशिर का भी बीज ये लोग बनाएंगे। और मेरे पास तो ये बीज इसका उपलब्ध ही है, अगर कोई किसान भाई मित्र अभी चाहते हैं तो इस साल के लिए मेरा नंबर लिख लें, 7985244878, ये कॉलिंग नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9450021755, ये नंबर लिख लीजिए और आप अपना बताइए पता, तो आपको ये बीज उपलब्ध मिलेगा। और अगले वर्ष से ये सब्जी विज्ञान विभाग या उद्यान महाविद्यालय से बीज, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से भी इसका मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और शुद्धता की आपकी गारंटी विश्वविद्यालय के बीज से रहेगी। और माधुरी, और माधुरी खाने में बहुत अच्छी है, माधुरी गोल्ड वैरायटी जो है वो खाने में भी बहुत अच्छी है, और शिशिर में मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंस है। तो तीनों ही प्रजातियां अपने में अनोखी हैं और विशेष करके लंबाई इसकी शंख भी बनती है। हाँ सर, इसके उसके कितने फीट की लौकियों तक खाना है और कितने पे बताएंगे वो भी बता दीजिए, आप जो बताते हैं। 3 फीट तक खाने लायक, उसके बाद दिखाने लायक। और दिखाने का मतलब ये है कि मतलब अगर पका फल है, सूखा फल है, तो आप उसको, उसका छिलका हटा के, पतला वाला छिलका खुरच के, उसका प्राइमर पेंट करके सजाने के लिए भी लगा सकते हैं ड्राइंग रूम में, और विभिन्न आकारों में फनी शेप्स में आता है तो उसको भी सजाने के काम में ले सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका, जो सूख गया फल है, उसकी शंख भी बनती है, और जल्द ही ये शंख इसकी बाज़ार में या किसान भाई उगा करके बड़ी मात्रा में बनाने लगेंगे, लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी शंख उपलब्ध होगा। जो पुरस्कार देते हैं आप, उसका क्या है? पुरस्कार का मतलब ये है, 6 फीट 4 इंच की अब तक हमने लौकी पैदा की है, जो 6.5 फीट कर लेगा उसको 5,000, 7 फीट कर ले तो उसको 10,000, और 8 फीट पैदा कर ले तो उसको 16,000 का हमने पुरस्कार घोषित किया है। 8 फीट 2 इंच का कहते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, सिरसा में 8 फीट 2 इंच का कहते हैं पैदा हुई थी, लेकिन मैं अगर देख लूँगा 8 फीट की तो 16,000 रुपया उसको इनाम, 7.5 की हो जाएगी तो 10 रुपया हमें, 10,000 रुपया उसका पुरस्कार दूँगा। और साथ ही साथ लौकी के बारे में आप सुन रहे हैं तो और भी जान लीजिए कि लौकी में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगता, और उसके लिए हमने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा, कोई सिद्ध कर दे तो 50,000 रुपये का इनाम मैं दूंगा। और तितलौकी से बचें, तीत कड़वी लौकी न खाएं, ये जहरीली है, डेडली पॉइजनस है, जूस तो कतई नहीं पिए, बाकी तो मतलब सब्जी तो बन गई है तो खा के थूक दीजिए, फेंक दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो सभी लौकी के बारे में बात कर रहे हैं, सब लौकी, ये सभी लौकी के बारे में, ऑक्सीटोसिन की बात और कड़वी लौकी की, सब लौकी के बारे में, इसके बारे में तो बात हो चुकी पहले।